रेलवे स्टेशन के नजदीक कॉलोनी पक्की सराय में चलाया नशा विरोधी जागरूकता अभियान। अम्बाला छावनी से खबर। हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल की रिपोर्ट। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर 24 जून बुधवार को रेलवे स्टेशन के नजदीक कॉलोनी पक्की सराय में एसपी रेलवे स्मृति चौधरी व जीआरपी डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार के निर्देशानुसार व एसएचओ जीआरपी अम्बाला छावनी के नेतृत्व में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की कमान एसएचओ जीआरपी अम्बाला कैंट व चेतराम बैनिवाल ने संभाली। एसएचओ जीआरपी कैंट का विजय कुमार व सभी कॉलोनी वासियों ने बुके देकर स्वागत किया। वहीं एसएचओ चंद्रभूषण शर्मा ने विजय कुमार को भी मोमेंटो देकर युवा पीढ़ी का हौसला बढ़ाया, जिसमें एसएचओ ने सभी महिलाओं पुरुषों व युवा पीढ़ी को समझाया गया, नशा जिंदगी को ही नहीं परिवार समाज व देश को भी बर्बाद करता है। सभी कॉलोनी वासियों को भी नशा ना करने की शपथ भी दिलवाई व भविष्य में नशा ना करने के बारे में भी समझाया। वही बैनिवाल ने बताया कि हमें आपस में मिलकर नशा मुक्त समाज की स्थापना करनी है। नशा अगर करना है तो देशभक्ति का करो, आपसी भाईचारे का करो। वही एसएचओ ने भी लोगों को समझाया नशा विनाश की जननी है, समाज को नशे से सभी को दूर रहना चाहिए। इस अभियान में एमसी नवीन यादव, रिटायर्ड सी अशोक शर्मा, मंगत राम, जसवंत सिंह, मुन्ना लाल, विजय कुमार, सावित्री देवी, सुमन राणा, बुद्धि, रिटायर्ड सी प्रेम यादव व सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एसपी रेलवे अम्बाला छावनी के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम जो है हमने 20 तारीख से शुरू किया हुआ है। हर गली मोहल्ले में जाकर हम लोगों को ये ताकीद करते हैं कि वो लोग नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा एक पल भर का, ये नशा का जो मजा है वो सारी जिंदगी का जो है सजा बना देता है। तो मेरी आप सबसे ही गुजारिश है कि इससे दूर रहें, और अगर इस मामले में कोई अवैध तस्करी भी हो तो उसके बारे में आप पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि जनता जो है वो पुलिस की आप और मान का काम करती है। पुलिस अपने आप में कभी भी सक्षम नहीं होती, पुलिस जनता के बल पर ही सक्षम होती है। अगर हमारा समाज स्वस्थ है तो हम लोग पुलिस को एक स्वस्थ समाज के लिए नशा मुक्त समाज होना बहुत जरूरी है। आप सभी नशे से दूर रहें। इसी बात को लेकर ये जो अभियान हमने छड़ा हुआ है, अब ये देखना है कि नशा जीतेगा या ये अभियान, और इसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं इस समय में आया हूँ, और क्योंकि पुलिस भी एक समाज का ही अंग है, क्योंकि समाज में से ही ये लोग निकल कर बाहर आते हैं। तो आप पुलिस को अपना मित्र समझें,